बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में कुरान के चंद एजाजात का जिक्र किया जा रहा है। वैसे तो बिला शुबा कुरान एक इल्हामी किताब है और ये वो वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान लफ्ज़ किराअतुन से निकला है जिसके मायने हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और रिसर्च में भी ये बात आई है कि कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाता है और जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है दुनिया की। नंबर दो, कुरान अल्लाह ताला की आखिर किताब है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने, जिसने इसको तख्लीक किया है, खुद ली है। कुरान एक ऐसी किताब है इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान नेक लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सोर्स है। नंबर तीन, कुरान पढ़ने वाला और कुरान को पढ़ाने वाला, इन दोनों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंसान किरदार इंसान कहा गया है। अल्लाह ताला के नज़दीक और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो दोनों इंसान तमाम इंसानों से बेहतरीन इंसान हैं जो इस किताब को पढ़ते हैं, इसका इलम हासिल करते हैं और इसके बाद दूसरों को इसकी तालीम देते हैं। नंबर चार, कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है जो तमाम जहानों का मालिक है। कुरान को लेकर आने वाले रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, जिस शख्स पर नाजिल किया गया वो नबियों के सरदार हैं। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतारा गया वो तमाम नबियों के बादशाह सरदार हैं। कुरान मजीद 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ, यानी कुरान मजीद को एक किताब की सूरत में 23 साल का अरसा लगा। इसी कुरान से अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को बुलंद करता है और इसी किताब से अल्लाह ताला कई कौमों को पस्तियों में धकेल देते हैं। कुरान मजीद एक ऐसी मजबूत किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला के नबी ने एक बात कही कि जब तक तुम इसको मजबूती से थामे रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये कुरान का एजाज़ है कि आज दुनिया में इसके लाखों हाफिज मौजूद हैं। कुरान को जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद सफाई हस्ती से मिट जाएगा और ये कुरान का एक बहुत ही लाजवाब एजाज़ है। और कुरान मजीद एक बड़ी ही बेमिसाल किताब है, इसके जैसी कोई एक आयत भी तख्लीक नहीं कर सकता। इसी कुरान में साबका किताबों का खुलासा और जिंदगी गुजारने का सलीका और मुकम्मल तरीका मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, कुरान मजीद से पहले भी 4 इल्हामी किताबों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद को शामिल करके। उन तमाम किताबों में जो अहकामात और हिदायात थी, कुरान मजीद में उनका खुलासा भी मौजूद है। कुरान मजीद एक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये हमें बताता है कि हमने कैसे और किन उसूलों के तहत जिंदगी गुजारनी है और किस रास्ते पर चलना है, यानी ये मुसलमानों की एक मुकम्मल गाइडेंस की किताब है और इससे बड़ा रहनुमा, बड़ा हदायत और कोई नहीं।